हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुवी टेलरिंग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम सिंपल सलवार की कटिंग सीखेंगे, जिसके लिए हमें 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी और एल स्केल, कैंची, इंच टेप और चॉक की। तो ये हमारे सलवार की मेज़रमेंट है। हमारी सलवार की लेंथ है 40 इंच, बेल्ट है 9 इंच की और हिप है 42 इंच के। ये कैलकुलेशन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये रहा हमारा कपड़ा, अब इसे खोल लेते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमने कटिंग करने के लिए कपड़े को सिंगल फोल्ड कर दिया है और ऊपर वाला साइड हमने इधर की साइड रखा हुआ है और क्लोज साइड अपने साइड रखा हुआ है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा साइड है, पहले हम उसे कटिंग करेंगे, उसको सीधा करेंगे, उसके बाद हम नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम सीधे पल्ले निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 40 इंच हमारे सलवार की लंबाई है, तो हम पहले निशान लगाएंगे। तो हम 7 छोड़ के 40 पे निशान लगाएंगे। 7 छोड़ दिया हमने यहाँ पे से, और ये हम 40 पे निशान लगाएंगे। फिर ये ओपन वाली साइड से भी हम सेम करेंगे, 7 छोड़ के 40 पे निशान। तो हम एल स्केल की मदद से इसको जोड़ लेंगे और हम 7 इंच की बेल्ट इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने ये बाद में ज्वाइन करनी है सलवार में। अब जो हमने ये लाइन मार्क की है, हम इसे काट लेंगे और ये जो बंद वाली साइड है उसको भी काट देंगे पूरा। तो अब हम बचे हुए कपड़े से तिरछे पल्लों को काटने के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें भी हम सेम 7 छोड़ के 40 पे निशान लगाएंगे। ये हमने 40 पे निशान लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच के लिए मार्क करेंगे। तो हम ओपन साइड से भी 7 छोड़ेंगे और आसन के लिए मार्क करेंगे 16 इंच पे, और यहाँ से भी हम 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। 16 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये पतले लोगों के लिए है, और अगर मोटा होगा इंसान तो उसके लिए हम 17 इंच पे निशान लगाते हैं। अब हम इन दोनों निशानों को ज्वाइन कर लेंगे और काट देंगे। तो जो हमने ये तिरछे पल्ले काटे थे, तो हम इस कपड़े के ऊपर बराबर से रख देंगे और इसे यहाँ से कटिंग कर देंगे, साइड से बराबर में करेंगे, ठीक है। तो अब जो ये बंद साइड है, इसे हम काट लेंगे। अब जो यहाँ से भी बंद साइड है, उसे भी हम काट लेंगे। तो ये हमारे तिरछे पल्ले कट चुके हैं। तो अब हम बचे हुए कपड़े से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे बराबर से। तो जो हमने सीधे और टेढ़े पल्लों में 7 इंच का छोड़ा था, वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये 7 इंच और 2 इंच ऐड करेंगे नेफा के लिए। अब जो बेल्ट की गोलाई होती है, वो हम हिप के अकॉर्डिंग निकालते हैं। हिप है हमारी 42 इंच इस कपड़े में, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आगे 21 इंच, और 21 इंच में हम 4 प्लस कर देंगे लूजिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 25 इंच, और 25 इंच हम इसमें मार्क कर देंगे।
ये हमने मार्क कर दिया, और सेम इधर के साइड से भी जो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्क किया था वहाँ पे से 25 इंच पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम 7+2 का मार्किंग कर लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। इसको यहाँ मिला लेंगे। तो हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमने जो ये मार्क किया हम उसे कट कर लेंगे। अब ये हम बंद वाली साइड भी काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।